नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एमसीक्यूज एंड वन लाइनर सीरीज के भाग 13 हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं और आज आपका भाग 14 है। तो दोस्तों, बहुत से फैक्ट्स हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी अभी इस चैनल पर विजिट किया है तो उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इस PDF को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ग्वारख्या गुफा किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है सुयाल, अलकनंदा, पिंडारी या फिर रामगंगा नदी। तो दोस्तों, जो आपका राइट आंसर होगा यह होगा आपका अलकनंदा नदी। और दोस्तों, मैंने आपको उत्तराखंड हिस्ट्री के जो शुरुआती चैप्टर है उनको क्लियर करवाया था और चमोली में आपका ग्वारख्या गुफा पड़ता है। और चमोली की जो आपकी ट्रिक थी, जो चमोली की ग्वारख्या किमनी लारी, तो इस तरीके से हमने एक ट्रिक बनाई थी कि चमोली की ग्वारख्या किमनी लारी। किमनी को आप चिमनी भी पढ़ सकते हो, तो इस तरीके से चमोली की ग्वारख्या चिमनी लारी। तो देखो, ग्वारख्या से ग्वारख्या गुफा हो गया, चिमनी से हो गया आपका किमनी गांव और लारी से हो गया आपका मलारी गांव। तो इस तरीके से आप चमोली के प्रागैतिहासिक कालीन स्थलों को याद रख सकते हैं। आइए दोस्तों, आप ग्वारख्या गुफा के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी जान लेते हैं। तो दोस्तों, ग्वारख्या गुफा जैसे कि मैंने आपको बताया दिया है कि चमोली जिले में स्थित है और चमोली जिले के डुंगरी गांव में ये स्थित है। यह गुफा अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जैसा कि आपका क्वेश्चन भी था, और यहाँ से मानव, भेड़, बारासिंगा के 41 रंगीन चित्र हमें प्राप्त हुए हैं और पुरातत्वविदों की नज़रों में लाने का श्रेय राकेश भट्ट को यहाँ पर दिया गया है। तो राकेश भट्ट को जाता है ग्वारख्या गुफा को पुरातत्वविदों की नज़रों में लाने का श्रेय। तो दोस्तों, ये सारे फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपने याद रखना है कि चमोली में और प्रागैतिहासिक कालीन स्थल कौन कौन से हैं, तो किमनी गांव और मलारी गांव दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि तराई भाबर के विकास हेतु तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना कब की गई। आपके ऑप्शन है 1880, 1883, 1885 या फिर 1886। तो दोस्तों, जो आपका राइट आंसर होगा यह होगा आपका 1883। तराई भाबर के विकास हेतु तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना 1883 में की गई और किसके द्वारा की गई, तो हेनरी रैमजे के द्वारा की गई। तो दोस्तों, ये फैक्ट आपने याद रखना है। अब आइए दोस्तों, हेनरी रैमजे के द्वारा कुमाऊं के क्षेत्र में किए गए कुछ अन्य कार्यों के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता चली गया है कि रैमजे ने तराई भावर के विकास हेतु तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना की थी। इसके बाद हेनरी रैमजे ने नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया और 1869 में शेरवुड कॉलेज, 1884 में वैलेजली हाई स्कूल और 1888 में सेंट जोसेफ कॉलेज को स्थापित किया। और कहां पर किया, तो नैनीताल में किया। और किसने किया, तो हेनरी रैमजे ने। इसके अलावा दोस्तों, इसके ही शासनकाल में पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में 1858 में भारत के पहले मैथोडिस्ट चर्च की स्थापना भी की थी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत का पहला मैथोडिस्ट चर्च कहां पर खुला था, नैनीताल में खुला था, और कब खुला था, 1858 में खुला था, और किसने खोला था, तो पादरी विलियम बटलर ने खोला था। इसके अलावा दोस्तों, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास रैमजे के द्वारा ही किया गया था और रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये सारे फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कालसी शिलालेख की खोज किस वर्ष की गई थी। आपके ऑप्शन है 1860, 1863, 1866 या फिर 1887। तो दोस्तों, कालसी शिलालेख की खोज 1860 में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, तो सर फॉरेस्टर के द्वारा की गई थी। तो आपने इन दोनों फैक्ट्स को याद रखना है। आइए कुछ अदर डिटेल भी कालसी शिलालेख से संबंधित जान लेते हैं। तो दोस्तों, कालसी शिलालेख की खोज 1860 में हुई थी और किसके द्वारा हुई थी, सर फॉरेस्टर के द्वारा की गई थी। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, यह अशोककालीन शिलालेख 257 ईसा पूर्व का है और यह लेख पाली भाषा में लिखा गया है। दोस्तों, इसके साथ ही इस लेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि मैंने राज्य के हर स्थान पर मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था कर दी है तथा लोगों से हिंसा त्यागने व अहिंसा को अपनाने की बात की गई है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों को पुलिंद और इस क्षेत्र के लिए अपरांत कहा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया है, तो पुलिंद कहा गया है, और इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, तो अपरांत कहा गया है। यह यमुना व टोंस नदी के संगम पर स्थित है। और इसके साथ ही दोस्तों, कालसी का प्राचीन नाम आप सभी को पता है सुधनगर, और कलकूट इसका प्राचीन नाम था, और कलकूट कुणिंदों की राजधानी
हुआ करती थी। तो दोस्तों ये सारा फैक्ट कालसी और कालसी अभिलेख से संबंधित है जो आपने याद रखने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लाल हवेली कविता संग्रह किसकी रचना है। आपके ऑप्शन है अजय रावत, गौरापंत शिवानी, मनु भंडारी या महादेवी वर्मा। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा यह होगा आपका गौरापंत शिवानी। लाल हवेली कविता संग्रह गौरापंत शिवानी का है। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में बताया है कि जिस दिन आपके पास एक रचना आएगी तो उसके साथ साथ हम उस दिन पांच रचनाओं को याद करेंगे। तो जो आपकी आज की पुस्तक है, तो पहली पुस्तक है आपकी मैन एंड फॉरेस्ट पुस्तक, ये किसकी रचना है? तो अजय रावत जी की रचना है। इसके अलावा जौहार के स्वर, ये किसकी रचना है? तो शेर सिंह पांगती की रचना है। इसके अलावा मुठभेड़ उपन्यास किसकी रचना है? तो शिवप्रसाद डबराल जी की रचना है। बुक ऑफ नेचर किसकी रचना है? तो रस्किन बॉन्ड की रचना है। और कंचनजंगा पुस्तक किसकी रचना है? तो हुकुम सिंह रावत जी की रचना है। तो दोस्तों ये सारी रचनाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और एग्जाम में कोई सी भी रचना आपके पास पूछी जा सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब की गई थी। आपके ऑप्शन है 17 दिसंबर 2008, 17 सितंबर 2009, 17 दिसंबर 2009 या फिर 17 सितंबर 2008। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका 17 दिसंबर 2009। तो दोस्तों 17 दिसंबर 2009 को स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत की गई थी। आइए दोस्तों स्पर्श गंगा अभियान से संबंधित कुछ अदर फैक्ट्स पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत 17 दिसंबर 2009 को गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा की गई थी और इसी उपलक्ष्य पर दोस्तों 17 दिसंबर को हर साल गंगा स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था और 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार से नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत भागीरथी, अलकनंदा, गंगा और मंदाकिनी नदियों को शामिल किया गया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नमामि गंगे अभियान कब से शुरू हुआ था, तो 7 जुलाई 2016 शुरू हुआ था और कहाँ से शुरू हुआ था, तो हरिद्वार से शुरू हुआ था। और कितनी नदियों को सम्मिलित किया गया है, तो ये सारी नदियों को सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों नमामि गंगे योजना के तहत ऋषिकेश व देहरादून में जैव विविधता पार्क भी बनाए जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों देहरादून में बने राष्ट्रपति आसियाना एनेक्सी का उद्घाटन 10 जुलाई 2017 को किया गया था। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपके पास एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका आज का MCQs एंड वन लाइनर सेशन। सेशन पसंद आया हो तो सभी तक हमारी वीडियो और PDF को ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल के बेस्ट MCQs एंड वन लाइनर सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभरात्रि।